बंद लिफाफे में कश्मीर का सौदा होता तो क्या काबीना का यही फैसला होता? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर सख्त तनकीद। कहा, अगर ये पैसा पाकिस्तान आता तो IMF के पास ना जाना पड़ता। इलेक्शन में आवाम के फैसले पर सर तस्लीम खम करेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब। ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा, पाकपतन, भक्कर, ननकाना साहब, चिश्ती और जड़ावाला में बादल खुलकर बरसे। कसूर में 14 साल का बच्चा बारिश के पानी में डूबकर जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश से तबाही। मानसेहरा में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक और 9 जख्मी हो गए। चित्राल और गोपस में मुतादित मकान, दुकानें और गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। गंदम और मकई की फसलें, चैरी और खुबानी के बागात तबाह हो गए। लाहौर में दरियाए रावी का बंद टूट गया। पानी मुल्तान रोड के मुलहिका मुतादित देहात में दाखिल। मुतादित देहात का जमीनी राबता मुनकता। सैकड़ों एकड़ अरासी में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दूसरी जानी भक्कर में दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, फ्लड वार्निंग जारी। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में नहर अपर चनाब का बंद टूट गया। पानी कई देहातों में दाखिल। PTI दौर में सहाफियों को नौकरियों से निकलवाया गया, प्रोग्राम्स बंद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तला'आत ने पेम्ब्रा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। पहली बार पेम्ब्रा कानून में फेक न्यूज़, डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तारीफ को भी शामिल किया गया। पेम्ब्रा एक्ट में ज्यादा तरामीम तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से की गई। ये तरामीम मुलाजमीन के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए जरूरी थी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का पेम्ब्रा तरमीमी बिल पर रद्द अमल। PBA का कहना है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बका और जाली खबरों से निमटने के लिए कुछ तरामीम इंतहाई जरूरी थी। तोशाखाना की चोरी से राह फरार के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ होकर रहेगा, उनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। हिसाब और जवाब दो वरना कौम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। DIG शारिक जमाल की लाहौर में पुरसरार मौत। पोस्टमार्टम में मौत की मुसद्दका वजूहात सामने ना आ सकी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मैयत की अस्पताल मुंतकली के दौरान नाक और मुंह पर खून के आसार देखे गए। शारिक जमाल के वर्सा का कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार। पुलिस का कहना है, जेरे हिरासत लड़की और इसके साथियों को रिहा किया जा रहा है। DIG की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुहर्रमुल हराम के लिए ज़ाबता अखलाक की मंजूरी दे दी। 18 निकाती ज़ाबता अखलाक पर तमाम मकातब फिक्र के उलमा के दस्तखत। ज़ाबता अखलाक पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में तैयार किया गया। ज़ाबता अखलाक के तहत कोई किसी को काफिर करार नहीं दे सकेगा। सरगोधा में 4 रोज पहले गुम होने वाला बच्चा ड्रामाई अंदाज में वापस मिल गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स बच्चे को तहसील साहिवाल के एक क्लिनिक में छोड़ गया। वालिदैन ने बच्चे को पांव पर मौजूद बर्थ मार्क से शनाख्त किया। और इमर्जिंग एशिया कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पाकिस्तान और भारत कल फाइनल मैच में टकराएंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम की पाकिस्तान शाहीन टीम से मुलाकात। फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों को टिप्स दी।